One, two, three, and. हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने से जो मेरा रूटीन स्टार्ट होता है, मेरा मॉर्निंग रूटीन 6 स्टेप में चलता है। इससे क्या होता है कि मुझे थकान नहीं होती है, बॉडी एनर्जेटिक रहती है घर के काम करने के लिए। आप भी करके ज़रूर देखना, अच्छा लगेगा, आपको भी आदत हो जाएगी, आपको भी अपनी लाइफ में। मैं ठीक 5 बजे उठती हूँ, कभी कभी मैं 4 से 4:30 बजे के बीच भी उठ जाती हूँ। तो मेरा नंबर 1 स्टेप ये है कि जितने बजे हमें उठना है, जैसे कि हमें 5 बजे उठना है तो हमें 2 अलार्म लगाने हैं। एक अलार्म हमें लगाना है 4:45 और एक हमें 5 बजे का ही लगाना है। तो जो 4:45 पे अलार्म बजेगा उसमें तो हम एकदम नहीं उठ पाते हैं, हमें आलस भी आता है, नींद भी नहीं खुलती और हम करवट लेते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर अलटते पलटते रहते हैं। फिर जो दूसरा अलार्म बजेगा 5 बजे, तो उससे क्या होगा कि हमारी नींद खुल जाएगी और उस पर क्या होगा, हम उठ ही जाते हैं। ये है मेरा स्टेप नंबर 1, आप भी करके देखना। अगर आप भी जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो आप भी 2 अलार्म ज़रूर लगाइए। और नंबर 2 स्टेप ये है कि सबसे पहले उठते ही मैं धरती माँ और ईश्वर को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद सीधा किचन में जाकर हल्का गर्म पानी ज़रूर लेती हूँ। ये मेरा हमेशा से ही रूटीन रहा है। वैसे भी आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि पूछे ही मत, और इतनी गर्मी में ज़रूरी नहीं है कि गर्म पानी ही पिया जाए, तो मैं कभी कभी नॉर्मल पानी भी पी लेती हूँ। नंबर 3 स्टेप ये है कि स्कूल कैंपस में ही जाती हूँ मैं 15-20 मिनट के लिए टहलने के लिए। चारों तरफ ग्रीनरी होती है और मॉर्निंग में ही सबसे ज़्यादा फ्रेश एयर होती है, जिन्हें देखकर मन को बहुत ही ज़्यादा खुशी और सुकून मिलता है। और मॉर्निंग में चारों तरफ शांति रहती है, मैं रिलैक्स होकर इस टाइम टहलती हूँ, कोई टेंशन नहीं करती। नंबर 4 स्टेप ये है कि सुबह सुबह फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाना, क्योंकि एक बार फ़ोन देखने लग जाओ तो सुबह का टाइम ख़राब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। फ़ोन में ही लगे रहो तो ना तो फिर कुछ करने का मन करता है और ना ही उठने का, और सबसे ज़्यादा तो माइंड और आँखों पर प्रेशर पड़ता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। नंबर 5 स्टेप ये है कि नहाने के बाद हमें पूजा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए और उस ईश्वर का धन्यवाद रोज़ करना चाहिए जिसने हमें ये अनमोल जीवन दिया। इन सभी चीज़ों को फॉलो करने से हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मन में शांति और सुकून बना रहता है। 6 नंबर का स्टेप है हमारे ब्रेकफास्ट का, तो मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए। हमारे सुबह का मूड हमारे पूरे दिन को प्रभावित करता है। ब्रेकफास्ट में हम सब्जी रोटी ले सकते हैं, साउथ इंडियन रेसिपी भी हेल्दी और टेस्टी होती हैं, चिल्ले बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाते रहना चाहिए, इससे खाने का टेस्ट भी बढ़ता है और अच्छा भी लगता है। तो बस आज मैं बना रही हूँ सूजी से बहुत ही इजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट, इसे कोई भी आसानी से बना के खा सकता है। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 कप सूजी और 1 कप पानी और 1/2 कप ली है दही, और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। गर्मियों में हल्का लाइट ब्रेकफास्ट खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, तो हमें ऑयल बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए। इसमें हमें दही ज़रूर ऐड करनी है। दही ऐड करने से क्या होगा कि ये जो हमारी रेसिपी है बहुत ही फूली फूली, सॉफ्ट और जालीदार बनेगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। आजकल बच्चों के समर वैकेशन चल रहे हैं तो बच्चे घर में ही रहते हैं, तो सबसे पहले मैं उनको दूध दूंगी। वैसे तो बच्चे दूध शाम को या रात को ही लेते हैं,
तो सबसे पहले मैंने दूध से मलाई निकाल दी है और यहाँ मेरी चीनी भी ख़त्म हो गई थी, तो मैं चीनी 5 किलो ला के ही रख लेती हूँ एक बड़े डिब्बे में। किचन में काम करते टाइम हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि जो सामान हम जहाँ से निकालते हैं हमें उसे हैंड टू हैंड उसी जगह पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से किचन मैसी नहीं होता और बाद में किचन को क्लीन करने में, उसको अरेंज करने में हमें प्रॉब्लम भी नहीं होती। इस बैटर को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून जीरा और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चीनी। चीनी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें लेना है 1 केक टिन या थाली और उसे हमें ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। बैटर को केक टिन में डालकर 1-2 बार हमें टैप करना है जिससे कि इसमें एयर बबल्स ना आए। फिर हमें कुकर लेना है, उसमें 1 गिलास पानी डालना है। अब हमें कुकर में कोई भी कटोरी हो, कोई भी ढक्कन हो, उसको रखकर हमें केक टिन रख देना है और जो कुकर का लिड है उसके ऊपर से हम वेट हटा देंगे और कुकर को बंद कर देंगे। इतने हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है तो मैं आ गई हूँ बच्चों के पास। आजकल ओजस अपना हॉलीडे होमवर्क रेडी करने में लगा हुआ है। तो ये है ओजस का हॉलीडे होमवर्क मैथ्स का और ये है इसका फ्रंट पेज। ओजस ने इसको काफ़ी क्रिएटिव तरीके से डेकोरेट किया है जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। और वैसे भी चूंकि हॉलीडे होमवर्क टाइम से ही कंप्लीट हो जाए तो वो ही अच्छा है। ये इसने डोर बनाया है और ये इसका कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी होमवर्क इसने कंप्लीट कर लिया है। इसे हमें एक नाइफ या फिर एक टोपिक से चेक कर लेना है। वो मैंने चेक कर लिया है। ब्रेकफास्ट हमारा बिल्कुल पक्के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी क्योंकि अगर मैं इसे अभी से कट करूंगी तो ये टूट जाएगा। तो बस अभी ठंडा हो चुका है। अब मैं इस पर एक प्लेट को कवर करके इसको टर्न करूंगी, 1-2 बार टैप करूंगी। तो लीजिए तैयार है हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। ऊपर से मैं रेड चिली पाउडर को स्प्रिंकल कर दूंगी। इसके बाद हमें एक डोसा पैन लेना है और उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है और जो ये पीसीज हैं इन्हें हमें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। तो बस तैयार है हमारा ये हेल्दी ब्रेकफास्ट। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।